Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. It's Humble Ahmed here again. Well guys, system जो लगाया था इस पर हमने बैटरी बैंक कनेक्ट किया था बिग चीफ का लिथियम आयन 100 एम्पीयर आर के 10 बैंक लगाए थे इस पर हमने. इस पर जनरेशन हमारे पास तकरीबन आ रही है. इसने ये जनरेट किया आज 54.5 किलोवाट आवर जनरेशन दी है इसने एक इन्वर्टर ने. दूसरे इन्वर्टर ने हमारे 54.4 किलोवाट आवर जनरेशन दिए और तीसरे इन्वर्टर ने जनरेशन दिए हमारे 54.6 किलोवाट आवर और चौथे इन्वर्टर ने जनरेशन दी है 53.5 किलोवाट आवर. वेल इस पे 11.2 किलोवाट आवर के सोलर पैनल लगे हुए ईच इन्वर्टर्स में और जनरेशन 54 विच इज 5 टाइम्स इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेशन आ रही है हमारे पास. ये लोड चल रहा है इसका, इसको गॉबडा इंक्लूडेड है क्योंकि हमने 49 वोल्ट पे हमने डीसी रखा हुआ है बैटरी बैंक में. इस वक्त हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं डीएमएस पर वो आ रहे हैं 49.5 पर ही हमने जो है इसको डीसी रखा हुआ है. 49 पर आने के बाद डीसी होगा और ये लोड चलाना शुरू कर देगा ग्रिड से और ये प्रॉपर इसी तरह काम कर रहा है. 216 किलोवाट आवर की जनरेशन आ जाइए और डेली बेसिस पर तकरीबन इतनी जनरेशन आ रही है. क्या कह रहा है बना 216 मल्टीप्लाई 35 7,500 रुपए की बिजली रोज. और महीने में महीना 2,26,800 की बिजली महीने में मल्टीप्लाई 12 27,21,600 2.7 मिलियन एनुअल और मल्टीप्लाई 3 81,64,000 रुपए. अभी तो फ्री साल में फ्री नहीं हो गया, उल्टा माइनस में चले गए. 65 से आगे 17 लाख रुपए ऊपर चले गए.